गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास ऑफ ज्योति एकेडमी। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इट इज क्लास 8 चैप्टर 3 पेज नंबर 216 to 222। ठीक है, आप लोग ये बुक पेज नंबर 216 से 222 खोल लीजिए। ठीक है, हम लोग वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसका मतलब बिफोर वी डिस्कसिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वी शुड नो व्हाट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, एज वी नो दैट इन इंडिया डेमोक्रेसी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, हम लोग का जो इंडिया में जो है डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी रूल है। ठीक है, इसके अंदर जो है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम आता है। ठीक है, इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? इट इज़ द पीपल गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर द पीपल बाय द पीपल। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट पार्लियामेंट्री जो है लोगों का शासन है, लोगों के द्वारा शासन चुना गया है और लोगों के लिए ही है। ठीक है, सो दैट इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि व्हाट इज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट है क्या चीज़, हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम लोग बार बार सुनते हैं ये वर्ड, वी कंटिन्यूसली हियर कि पार्लियामेंट पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट इज नथिंग बट इट इज ए हाउस। ठीक है, जैसे हम लोग का ये क्लासरूम है, इसी तरह एक पार्लियामेंट एक हाउस होता है। ठीक है, जनरली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नेशनल फोरम। पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट को हम लोग बोलते हैं ये नेशनल फोरम होता है। नेशनल फोरम का मतलब होता है इट इज ए मंच। फोरम का मतलब क्या है? मंच, वेयर पीपुल कैन एक्सप्रेस देयर मिस व्यूज, वॉट एवर ही इज फेसिंग प्रॉब्लम दे कैन एक्सप्रेस। पार्लियामेंट्री नेशनल फोरम मीन्स नेशन का जो इशू है उसको जो है उसके इशू को जो रिप्रेजेंट करने का एक तरह से ये फोरम है। इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड इट इज ए हाईएस्ट लेजिस्लेटिव ऑर्गन। ये जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये हाईएस्ट लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। और इसको कंबाइंड करते हैं तो व्हाट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आपका प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड फोर्थ बॉडी होता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर इज कॉल्ड पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जनरली क्या है पार्लियामेंट का काम क्या होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ पार्लियामेंट? बेसिकली इसका काम होता है मेकिंग लॉज। ठीक है, लॉ बनाने का काम जो होता है ये पार्लियामेंट के अंदर होता है। सो देयर आर फोर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लोकसभा एंड राज्यसभा। इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट लोकसभा एंड राज्यसभा। ये लोकसभा होता क्या है और राज्यसभा क्या होता है, टुडे यू आर गोइंग टू डिस्कस। सो लोकसभा पर हम लोग वी से लोकसभा इज ए लोअर हाउस एंड इट इज ए अपर हाउस। ठीक है, लोकसभा आपका लोअर हाउस होता है और राज्यसभा इज द अपर हाउस। व्हाट इज द टर्म ऑफ लोकसभा, इट इज 5 years एंड राज्यसभा इट इज 6 years। ठीक है, लोकसभा में हु सीट्स इन लोकसभा, इट इज MP। MP नथिंग इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज इलेक्टेड फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है इन राज्यसभा हु इज द मेंबर, ये स्टेट पार्टिसिपेट मीन्स हाउ द मेंबर इज चूजन इन राज्यसभा, दैट इज डिफरेंट टॉपिक, वी विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास। इसमें जो है राज्यसभा में कौन सा मेंबर होते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस टू बिकम ए मेंबर इन राज्यसभा, दैट इज डिफरेंट टॉपिक, सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास दैट वन, हाउ टू बिकम ए राज्यसभा मेंबर। व्हाट इज द एज फॉर टू बिकम ए लोकसभा मेंबर, इट इज 25 years मिनिमम, मिनिमम 25 years, इन राज्यसभा इट इज 30 years। व्हाट इज द टोटल मेंबर इन लोकसभा, लोकसभा इट इज 550 इज मैक्सिमम, इट इज 540 इज मिनिमम, इन राज्यसभा मैक्सिमम इज 250 एंड मिनिमम 245। हु इज द
ये इसमें स्पीकर हेड होता है हु लिसन, जैसे क्लास में आपका कौन सुनता है, आपकी बातों को कौन सुनता है, स्पीकर क्लास आपके टीचर सुनते हैं। सेम वे इन लोकसभा क्या होता है, ऑल एमपी सिट टुगेदर टू मेक ए लॉ, तो वहाँ पे सुनने वाला कौन होता है, स्पीकर होता है, हु इज द हेड, हेड ऑफ द लोकसभा का हेड है आप बोल सकते हैं, स्पीकर होता है इन राज्यसभा, हेड ऑफ द स्पीकर इज वाइस प्रेसिडेंट। तो हम लोग वंस रिवाइज कर लेते हैं, ये लोअर हाउस होता है, दैट इज अपर हाउस, लोकसभा टर्म इज 5 years, राज्यसभा टर्म इज 6 years, आपका ये लोकसभा में एमपी होता है, उसमें स्टेट पार्टिसिपेट करती है, इसमें मिनिमम 25 years होता है, उसका एज होता है 30 years, इसके मेंबर्स होते हैं 550 मैक्सिमम, 540 इज मिनिमम, मेंबर 250 मैक्सिमम और 250 245 मिनिमम, इसके जो हेड होते हैं स्पीकर होते हैं और इसके वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड होते हैं। एंड वी विल कंटिन्यू फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, तो आप लोग इट इज बेटर टू पेज नंबर निकालिए 218, ठीक है, इन दैट वन इट इज मेंशन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, सिलेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट एनी लॉ पार्लियामेंट हैड टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव हु इज द एग्जीक्यूटिव, एज वी नो दैट देर आर 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटर, सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड वन इज जुडिशरी, तो एग्जीक्यूशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज डन इन पार्लियामेंट, ठीक है, दूसरा है आपका कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट, दूसरा है कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट को ये गाइड करती है पार्लियामेंट एंड कंट्रोल करती है कि दे कैन नॉट मिस यूज द पावर ऑफ पावर, सो दैट पार्लियामेंट कंट्रोल, एंड थर्ड वन इज कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट फाइनेंस, पार्लियामेंट क्या करती है, ये कंट्रोल करती है गवर्नमेंट के फाइनेंस को, ये गवर्नमेंट सपोज करिए गवर्नमेंट जो है आपका रिसिप्ट हो रहा है 100 करोड़ हो रहा है रिसिप्ट, तो ये एक्सपेंडिचर कहाँ पे खर्च कर रही है, तो ये कंट्रोल करती है, इट इज़ द रोल ऑफ द पार्लियामेंट टू कंट्रोल गवर्नमेंट फाइनेंस। फोर्थ वन इज सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू पीपल, एज यू नो दैट ये एमपी जो है इलेक्टेड बाय द पीपल, सो ये हम लोग का राइट है कि नो दैट व्हाट इज हैपनिंग इन कंट्री, सो ये पार्लियामेंट का रोल होता है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे पब्लिक को कि व्हाट इज हैपनिंग इन कंट्री, वेदर इट इज ए इनकम, वेदर इट इज एक्सपेंडिचर, एनी पॉलिटिकल इशू, सो एवरीथिंग इज डिस्कस इन पार्लियामेंट। फोर्थ वन इज रिमूवल ऑफ हाई ऑफिशियल, इन पार्लियामेंट में क्या होता है, रिमूव किया जाता है हाई ऑफिशियल को, हाई ऑफिशियल का मतलब होता है यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव इन पार्लियामेंट ओनली, ठीक है। अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्लियामेंट का एक और रोल है, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर पार्लियामेंट में कुछ चेंजेज करना है तो दैट इज डन इन पार्लियामेंट ओनली। रिसेंट एग्जाम्पल वी कैन टेक ऑफ आर्टिकल 370, दैट वॉज इन कश्मीर, कश्मीर में क्या था 370 आर्टिकल था, बिकॉज ऑफ दैट वन आवर कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान था वहाँ पर लागू नहीं था, इंडिया का पार्ट होते हुए भी इंडियन संविधान वहाँ पर लागू नहीं था, तो रिसेंटली दैट हैज बिन रिमूव, तो वो कैसे हुआ, वो आपका लोकसभा राज्यसभा में हुआ, ठीक है। फोर्थ वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है इसका, पार्लियामेंट का लॉ बनाना, कोई भी लॉ बनता है इन पार्लियामेंट में लॉ बनता है, ठीक है, पास द बिल, बिल कैसे, बिल कहीं नथिंग बट इट इज़ लॉ, बिल को हम लोग कह सकते हैं लॉ, बिल टू टाइप्स का होता है, ठीक है, एक आपका मनी बिल होता है, एक होता है ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, तो आपका मनी बिल जो होता है, मनी बिल इज पास इन लोकसभा ओनली, ठीक है, ओनली इन लोकसभा, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल भी पास हो सकता है और यहाँ पे आपका राज्यसभा में ओनली ऑर्डिनरी बिल पास हो सकता है, ठीक है, तो दैट्स फॉर टुडे क्लास, देयर आर क्वेश्चंस, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दी थिंग्स, तो आप लोग को क्या करना है, ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, कंप्लीट बनाना है, इसको फिनिश करना है, दैट्स फॉर द टुडे, थैंक यू।